The students are here. See, class, I have given some more examples from infix to pre and postfix conversions. Like here, this is the expression exponent y. ये हमने कल किया भी था. इसके बाद कुछ और टिपिकल वन है, a प्लस बी स्टार सी प्लस डी स्टार ई. सो जब इसको कन्वर्ट करना है तो इसको देखो, ये ब्रैकेट है, ये पहले सॉल्व होगी, तो डी स्टार ये मल्टीप्लीकेशन है, ये पहले सॉल्व होगा बी सी स्टार. सॉरी, पोस्ट फिक्स करने लगे, पहले प्री कर लेते हैं, स्टार डी ई स्टार बी सी. ठीक है, फिर ए है तो प्लस पहले आ गया, इसी तरह से यहाँ पर सी लगकर प्लस पहले आ गया. ये देखो, दिस इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. सिमिलरली नीचे वाला जो केस है, डी डिवाइडेड बाई ई एक्सपोनेंट एफ, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा. देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई जी, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई एच, मल्टीप्लाइड बाई सी एंड बी. सो बी सी इनसे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर ये देखो, एंड देन प्लस ए. दिस इज द प्रीफिक्स. पोस्टफिक्स अगर हमने इन्हीं का करना है तो बी सी स्टार डी ई स्टार ए बी सी स्टार प्लस सी डी ई स्टार प्लस. देन द लास्ट वन, ए बी सी डी ई एफ. ई एफ के बाद है हमारा ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ई एफ से मैप हो जाएगा. देन स्लैश डी स्लैश जी स्टार C star H star B star and then A plus individual mapping है. ठीक है, now I'm sharing a document with you all. ये visible है, ये document visible है, how to convert infix to postfix. ठीक है, इसमें भी एक algo sort of लिखा हुआ है. we use a stack. When an operand is read output at operand, मतलब कोई भी operand आ रहा है, कोई numeric value alphabet आ रहा है या फिर कोई numeric value आ रही है, we have to directly output it, okay? Print करा देनी है. और जब हमारे कोई operator आता है तब हमने क्या करना है, pop करना है until the stack top element जो है उसकी precedence lower हो तब तक. अगर हमारा already जो आ रहा है उसकी precedence lower है तो हमें कोई problem ही नहीं है, then we have to push it. अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है तब भी हमने पॉप करना है अनटिल अनलेस वी गेट द ओपनिंग ब्रैकेट. ओपनिंग ब्रैकेट हैज लोअर प्रेसिडेंस व्हेन इन द स्टैक बट हैज द हायर प्रेसिडेंस व्हेन इन द इनपुट. है ना, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, यानी कि हम सबसे पहले इसे ही सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को. व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ द इनपुट पॉप अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी. अब इसका एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं. जैसे ये ही एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है स्टैक के थ्रू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. ये देखो स्टैक है और आउटपुट है. अब सबसे पहले हमारा थ्री आया,
अकॉर्डिंग टू द लॉजिक वी से कि जब भी हमारा ऑपरेंड आ रहा है कोई ऑपरेंड को हम डायरेक्टली आउटपुट में भेज देंगे, तो थ्री आया, थ्री सीधा आउटपुट में चला जाएगा, सी थ्री आउटपुट में आ जाएगा. अब आ गया प्लस, व्हेन देयर इज एन ऑपरेटर वी हैव टू पुश इट इन द स्टैक टू चेक वेदर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज देयर. हायर के ऊपर, सॉरी हायर के ऊपर लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं आएगा. सो प्लस जो है अभी उससे पहले स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो प्लस को हम स्टैक में पुश कर देंगे. देखो स्टैक में प्लस पुश हो गया. फिर आया फोर, फोर एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड आना है तो हमने उसे प्रिंट कर देना है, हमने फोर को प्रिंट कर देना है, फोर प्रिंट हो गया. देन स्टार, अब स्टार आया, अब स्टार स्टैक में जाएगा. अब स्टार जब स्टैक में जाएगा तो स्टार की प्रेसिडेंस और प्लस की प्रेसिडेंस, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस से तो हमारा डल गया. अब आया फाइव, फाइव प्रिंट हो गया. अब आया स्लैश, अब स्लैश और स्टार में लड़ाई होगी. स्लैश और स्टार कहते हैं कि स्लैश जो है मेरा स्टार के ऊपर नहीं आ सकता, स्टार पहले आए, स्लैश जो है लोअर प्रेसिडेंस का है, स्टार हायर प्रेसिडेंस का है, तो इन दोनों की लड़ाई है. ये कहते हैं हम नहीं आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार को वहां से निकाल कर यहाँ लाना पड़ेगा और फिर स्लैश को हम यहाँ पुश कर सकते हैं क्योंकि बेचारा प्लस तो लोअर प्रेसिडेंस का है. ये चीज समझ में आई है, स्टार था यहाँ स्टैक में, नाउ ऑपरेटर है स्लैश. अब स्लैश को हमें स्टैक में डालना है, स्टैक में स्टार के ऊपर हम स्लैश नहीं डाल सकते बिकॉज स्टार हैज हायर प्रेसिडेंस देन स्लैश डिवाइड. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हायर प्रेसिडेंस स्टार को यहाँ से निकाल कर यहाँ पहुँचाना है और तब हम स्लैश को पुश कर सकते हैं. अगर बाई चांस यहाँ पर एक और स्टार होता तो पहले हम उस स्टार को भी बाहर निकालते तब हम स्लैश को पुश करते, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस स्लैश से कम है तो हम प्लस के ऊपर स्लैश डाल सकते हैं, इट्स नो नो इश्यूज. ये स्लैश डाल दिया. नाउ द सिक्स, सिक्स है तो सिक्स ऑपरेंड है, डायरेक्टली आउटपुट में चला जाएगा, सिक्स आउटपुट में. देन अब हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया. व्हाट वी विल डू, हम स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली प्रिंटिंग करेंगे, स्लैश प्लस. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल है, तीन एग्जांपल हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट एग्जांपल था. ये क्लियर है? ठीक है, मुझे रजनी ने ही बताया सिर्फ क्लियर है, बाकी मुझे रिज्यूम कर रही हूँ कि बाकी सबको भी क्लियर है. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ये एग्जांपल है यहाँ पर ब्रेसेस के साथ है, ठीक है. स्टैक एंड आउटपुट, सबसे पहले आई हमारी ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट आएगी तो हम उसे स्टैक में पुश करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में. नाउ कम्स द ऑपरेंड, ऑपरेंड आया है तो उसको हम काम करेंगे आउटपुट में, 300 वुड गो टू द आउटपुट. प्लस आया, प्लस को स्टैक में, 23 आया, 23 आउटपुट में. अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आनी है हमने पढ़ा था स्टैक में से पॉप करना है तब जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती. पॉप किया, प्लस बाहर आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गई, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को रिमूव कर दो, सिंपली रिमूव करना है, उन्हें कहीं आउटपुट में नहीं शो करना. अब आया स्टार, स्टार ऑपरेटर है, स्टैक में डाल दो क्योंकि अभी कोई और ऑपरेटर नहीं है, हमें प्रेसिडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्टार को स्टैक में डाल दिया. नेक्स्ट कम्स द ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट भी स्टैक में जाएगी. देन कम्स 43, 43 इज एन ऑपरेंड, इट गोज टू द आउटपुट. देन द माइनस, माइनस गोज इन स्टैक. देन 21, अब ये देखो स्टार के ऊपर माइनस आ गया है लेकिन क्योंकि डायरेक्टली नहीं आया है, बीच में ब्रेसेस है इसलिए डाल सकते हैं स्टार के ऊपर माइनस, बीच में ब्रेसेस है. 21 है, 21 आउटपुट में. नाउ अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो पॉप करना स्टार्ट करोगे, पॉप किया तो माइनस. देन कम्स स्लैश, अब फिर से वही प्रॉब्लम, स्टार और स्लैश, स्टार बाहर स्लैश अंदर. देन फिर ओपनिंग ब्रैकेट, 84 बाहर, प्लस ब्रैकेट स्टैक के अंदर, 77 आउटपुट में. क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, पॉप किया, प्लस बाहर किया, ओपनिंग ब्रैकेट को रिमूव किया, फिर से स्टैक, अब क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया, स्लैश लिया, स्लैश को आउटपुट. डन, इज इट ओके? गुड,
मैम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से ज्यादा प्रेसिडेंस डिवीजन की नहीं होती बोर्ड नहीं मास के बच्चे वो अकॉर्डिंग? बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग होती है। जब यहाँ पर प्रेसिडेंस है, मैंने भी कल यही चीज़ पढ़ी थी, इसको देखा जब मैंने, उसके बाद मैंने दोबारा ये चीज़ जाकर पढ़ी, तो जो हमारे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन्स हैं उसमें जो प्रेसिडेंस है वो स्टार की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू डिविजन। मैं मुझे भी यही डाउट था बेटा इन एग्जाम्पल्स को देख कर और जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसमें भी, तो फिर मैंने वहाँ जाकर पढ़ा था, तो ये डिफरेंस है। अब आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में ब्रैकेट्स स्लैश डबल ब्रैकेट्स भी हैं, सो लेट्स मूव स्टैक आउटपुट ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में आउटपुट में फोर। ऐसा करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग खुद से करके देखो, जस्ट राइट द आउटपुट इन द चैट बॉक्स, करो इसे खुद से करो। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हेयर, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स आर सफिशियंट टू वर्क ऑन स्टैक एंड आउटपुट, जस्ट टू। से 4-5 स्टूडेंट्स टिल नाउ फास्ट एंड डॉट डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, डू इट बाय योर सेल्फ। नंदनी राहुल अदिति रजनी दीक्षांत गुड, जस्ट 1 मिनट मोर देन आई विल शो यू द आउटपुट हाउ इट गोइंग टू बी वर्क। आप देखना खुद से किसका ठीक आ रहा है किसका नहीं आ रहा।
ओके C4 प्लस इन द 8 आउटपुट प्लस बाहर 6 इन सॉरी स्टार स्टार इन स्टैक ओपनिंग विकेट इन स्टैक 6 इज आउटपुट माइनस इन स्टैक 5 इज आउटपुट माइनस एज आउटपुट देन स्लैश स्टार एज आउटपुट स्लैश इन द स्टैक टू ओपनिंग ब्रेसेस इन द स्टैक 3 आउटपुट माइनस इन स्टैक टू आउटपुट देन स्टार ओपनिंग ब्रैकेट दे ठीक है स्टार इन स्टैक देन ओपनिंग ब्रैकेट टू आउटपुट प्लस इन स्टैक टू आउटपुट क्लोजिंग ब्रैकेट है प्लस बाहर आ गया फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है स्टार बाहर आ जाएगा फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है फिर आपका फाइनली स्लैश बच गया So I think so everybody has done right. Almost everyone have done right. Good. तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया. That's very good. So let's move to the algorithm part now. So I have changed the algorithm. जो कल था उससे थोड़ा सा उसको wordings में और change करने की कोशिश की है. सी द सेम थिंग वी हैव डन हेयर जो अभी हमने किया है ना बेटा वही चीज हमने अब प्रोग्राम में करनी है जो आपने अभी ये स्टैक यूज करके आउटपुट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन किया है वही चीज प्रोग्रामिंग में करनी है अब देखो स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंट आउटपुट इट प्रिंट कर दो एल्स अगर हमारा स्कैन जो है वो ऑपरेटर है एंड इट्स प्रेसिडेंस इज greater than the precedence of the operator on the stack or the stack is empty then push it ठीक है greater है तो हम push कर रहे हैं otherwise हमें क्या करना पड़ेगा जो operator है जिसकी precedence उससे ज़्यादा है उसको वहाँ से pop करना है और तब हमने उसको output में ले जाना है और तब हम higher precedence वाला operator stack में push करेंगे और अगर scanned character जो है वो opening ब्रैकेट है उसे स्टैक में पुश करना है स्कैन कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पॉप करना है अंटिल एंड अनलेस वी गेट अ ओपनिंग ब्रैकेट रिपीट दीज स्टेप्स अंटिल द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज कंप्लीटेड एंड वी हैव टू सिंपली प्रिंट आउट ठीक है दिस इज द लॉजिक अब इस लॉजिक के लिए मैं एक थोड़ा सा दे रही हूँ बिकॉज वी नीड टू चेक द प्रेसिडेंस यहाँ पर ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है ना वो चेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम प्रेसिडेंस कैसे चेक करें ये सोचने के लिए मुझे एक ये मिला था कोड ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये लॉजिक अच्छा है चेक करने के लिए ये देखो मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ फोन का विजिबल है ये देखो उसमें क्या किया है एक स्विच केस बनाया स्विच केस में क्या किया जिनकी प्रेसिडेंस लोअर थी उनको लोअर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं सो प्लस माइनस ठीक है फिर स्टार और स्लैश जो है वो टू रिटर्न कर रहे हैं और जिसकी ज्यादा है वो थ्री रिटर्न कर रहे हैं जैसे जैसे कर रहे हैं ये इन्होंने क्या किया था इन्होंने स्टार और स्लैश लिया हुआ इसको आप ऐसे कर लो स्टार की है ज्यादा तो रिटर्न कर लेगा थ्री ये रिटर्न कर रहा है टू ये रिटर्न कर रहा है फोर ये आप एक चीज कर सकते हो इससे आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आपको ये पता चल जाएगा बाकी अगर किसी के माइंड में कोई और वे है जिससे वो प्रेसिडेंस को चेक कर सकता है तो प्लीज इट्स ओपन किसी के पास कोई और लॉजिक है ये देखने के लिए कि प्रेसिडेंस कैसे चेक करें आपस में कंपेरिजन भी कर सकते हो जनरली फोर ही ऑपरेटर्स आ रहे हैं प्लस माइनस स्टार और स्लैश एक्सपोनेंट फाइव फिफ्थ ऑपरेटर एक्सपोनेंट भी हो सकता है तो आपस में अगर आपने उनकी डायरेक्टली एंड और से चेक करनी है आप वो भी चेक कर सकते हो इट्स योर विश बताओ किसी के पास कुछ और लॉजिक हो कि हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी ने कुछ और सोचा हो प्रेसिडेंस चेक करने के लिए है कुछ आइडिया
एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप सिर्फ एलिमेंट क्या क्या होता है वो कोड बता दो। करो, प्रेसिडेंस नहीं करो, सिर्फ ए प्लस अच्छा बी वेरिएबल, अच्छा ठीक है, दो ब्रेक्सिस में वेरिएबल काम कर रहे हैं। इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने देखो तीन चीजें ली हैं, ऑपरेंड लिया है, ऑपरेटर लिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिया है। सो नीड टू चेक ओनली दीज थ्री। अभी ये चेक करो, इसको इसका पोस्टफिक्स प्रिंट कराओ। अरे अब मैं आपके पास एरेज एक चेक आउट एक करके ऑप्शन, कल देखता जैसे हूँ, मैंने अरे आपको कहा था कि तीन एरेज लेने हैं, एक था एरे जो इनफिक्स के अरे लिए मैं था, एरेज आउट करके एक देखता हूँ, मैंने एक कहा था एरेज एरे स्टैक के लिए है, थर्ड एरे जो है वो आउटपुट एक्सप्रेशन, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको स्टोर करने के लिए। आपकी मर्जी है, पोस्टफिक्स को एक एरे में स्टोर करा लो या डायरेक्टली एसओपी करा लो। मतलब हर एक में एसओपी लिखने की जगह मेरा आइडिया था कि एक और स्टैक ले, सॉरी एक और एरे ले सकते हो, उसमें पोस्टफिक्स को राइट करा सकते हो और एट द एंड उसको प्रिंट करा दो, उस एरे को प्रिंट करा दो। फिलहाल मेरे को चाहिए फ्रॉम एवरी वन, नॉट अ स्टैटिक वे। आप चेक करो कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट एरे स्टैक टू द पुश इट टू द स्टैक ए है तो उसको एक एरे है उसमें ऐड कर दो, ऑपरेटर है तो उसको स्टैक में पुश कर दो, बी है तो एक और एरे है उसमें ऐड कर दो, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो स्टैक से पॉप कर कर प्लस जो है एरे में जाकर ऐड हो जाए, आउटपुट जो है ए बी प्लस विजिबल हो जाए। सिंपल, सिर्फ एक ऑपरेटर के लिए पहले ये चेक कर कर देखो, पहले इतना कोड करो स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर द सेम। एंड रिमेंबर अगेन, प्लीज डोंट यूज स्टैक क्लास फंक्शंस पुश एंड पॉप। आपने अपने जो पुश एंड पॉप बनाए थे पहले वो यूज करो। अतुल, ये ए प्लस बी वाला हो गया, ठीक है तुम आगे बढ़ो फिर, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब ए प्लस बी स्टार सी कर लो, याद रखना स्टैटिकली ए प्लस बी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक्सप्रेशन जस्ट ए प्लस बी एक ऑपरेटर को चेक कर रहा है। अब एक और सेकंड ऑपरेटर स्टार आ गया, मान लो इसको बिल्डअप करते जाओ इस प्रॉब्लम को।
हुआ भाई किसी का? ए प्लस बी भी नहीं हुआ? यस क्लास, ब्रैकेट्स ए प्लस बी यस एनीवन किसी का भी नहीं हुआ बेटा? कुछ नहीं समझ में आया वो बताओ। अतुल, अतुल यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन। उस एक से ही बाकियों को अंदाजा लग जाएगा करना कैसे है। थोड़ा फोन साइज इंक्रीज करो अतुल। ये मेरे एक्सप्रेशन एंड मैम जो मेरा साइज स्टैक का वो मैंने 10 दिया हुआ है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये मैं एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ इसके मतलब कैरेक्टर को। ठीक है, वन बाय वन उसको रीड कर रहे हो और उसमें वहां जा रहे हो। हाँ एंड मैम लास्ट में अगर कोई रिमेनिंग रहता है तो उसको फिर जो भी रिमेनिंग रहेंगे वो लास्ट में प्रिंट कर रहा ठीक है, अब इस फंक्शन में जाओ। क्या बनाया तुमने? मैम। कुछ फंक्शन में जैसे मेरे पास अगर कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे सीएच में, मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो ऑपरेंड है तो मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। इस ऑपरेंड कैसे चेक कर रहे हो? ऑपरेंड ये है इस ठीक है, होल्ड रखो या औरों को देखने दो। देखो अगर वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है, या 0 से 9 के बीच में है। 0 से 9 के बीच में। चलो अभी हमने मैम। जैसे क्वेश्चन किया था उसमें 0 से 9 के बीच में नहीं था ना, उससे ज्यादा था। चलो अभी फिलहाल 0 से 9 के बीच में लेके चलो। ठीक देन मैम अगर ऑपरेंड है तो उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं ठीक है, अब एंड मैम। क्लास प्लीज इस चीज पर ध्यान दो, इसी फंक्शन पर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सी व्हेन इट इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड में हमने चेक किया कि वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, या 0 से 9 के बीच में। वी आर डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, इफ इट इज द ओपनिंग ब्रैकेट, सी एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तो स्टैक में पुश कर दिया उसको। स्टैक प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू सी एच।
ठीक है। मैम एक चीज और, मैंने बाई मतलब जब मैंने उसको किया था तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो है वो उसको हैश दे रखा है। ठीक है, वही हैश वाला कंसेप्ट यूज किया है तुमने, ठीक है स्टार्टिंग वाले को, देन मैम ठीक है। अगर ऑपरेटर है तो मैंने फर्स्ट कर दिया है, ऑपरेटर कैसे चेक किया, इज ऑपरेटर फंक्शन दिखाओ अपना आप। मिस ऑपरेटर भी है। देखिए क्लास, इज ऑपरेटर जब कैरेक्टर आ रहा है उस फंक्शन में चेक किया है, क्या वो स्टार, सबसे पहले कौन सा सिंबल लिखा हुआ है तुमने, परसेंटेज, यस मैम परसेंटेज स्लैश स्टार प्लस माइनस और एक्सपोनेंट, अगर इनमें से कोई है तो फिलहाल लॉजिकली इसने सिंपल वे में ही कर दिया, इनको सिंपली रिटर्न करा दिया, ठीक है। चलो आगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, यस मैम उसको पुश कर देंगे। ठीक है। अभी मैंने यही अगर कहा था सिंपल वे में करो, उसको स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या मैं किया है, जब तक मेरा टॉप जो है वो ओपनिंग उसको नहीं मिलता तब तक मैं वो करते आ रहा हूँ। पॉप करते जा रहे हो यस और मैम उसको प्रिंट करा रहे हो। यस मैम एंड मैम टॉप माइनस माइनस इसलिए किया क्योंकि जब उसको ये मिल जाएगा तो हमको इसको भी तो पॉप करना है क्योंकि अब हाँ, नहीं और तो ये रह। इसको प्रिंट नहीं कराना है, हाँ मैम ये टॉप माइनस माइनस एक कर दिया तो वो अब जब एक, डिनोट करेगा तो वो हैश को कर रहा होगा इस टाइम पे, यहाँ पे तो मैम ठीक है। इसको करता है वो इस वाले हाँ, इस जगह पे। एल्स में कहाँ क्या गए हो, मैम अभी एल्स टू टू बी डिसाइडेड किस है साइड जैसे जैसे आप बोलते आओगे। एंड मैम टॉप रिमेनिंग में क्या है कि जब तक मेरा पीक, मैंने एक पीक फंक्शन बनाया मैम हाँ वो जब तक मेरा हैश के इक्वल नहीं होता जब तक मैं टॉप माइनस माइनस करके प्रिंट करवाता जाता। ठीक है। ये पीक फंक्शन आपका कॉल कहाँ पर हो रहा है, पॉप, रिमेनिंग में मैम पीक फंक्शन को मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ जैसे ये जो है ना ये मैम पीक यहाँ पर भी कर सकता हूँ ये फिर भी रन करेगा। पीक में तुमने ओपनिंग ब्रैकेट चेक करवाई है, नहीं मैम ये देखिए बताता हूँ मैम ये है आउटपुट तो भी इसकी सेम आ रही है। मैम पीक फंक्शन में मैं टॉप वाले एलिमेंट को रिटर्न कर रहा हूँ बस ये है। अच्छा जो भी मेरा स्टैक के टॉप पर होगा लाइक मैम स्टैक में मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसे ए बी सी डी है तो मेरा जो फंक्शन ये रिटर्न करेगा वो डी रिटर्न करेगा यहाँ से। हाँ ठीक है। ठीक है क्लास, अब ये जो कोड है इससे आई थिंक सो यू यू गॉट एन आइडिया कि हाउ टू प्रोसीड नाउ। अतुल, आई रिक्वेस्ट यू, जो आपने फंक्शन वो बनाया है ना जिसमें हम हर एक को चेक करें, एक बार प्लीज़ वो मैक्सिमाइज कर कर फिर से दिखा दो, बिकॉज दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉजिक। इफ एल्स इफ, एल्स इफ जो हम चेक कर रहे हैं, इज ऑपरेटर, इज ऑपरेंड, इज ओपनिंग ब्रैकेट, इज क्लोज ब्रैकेट, सी ये जो लॉजिक लिखा हुआ है इज ऑपरेंड सी एच, आपको ये हमारा वही लॉजिक है जो वहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ था। अगर वो ऑपरेंड है तो उसको प्रिंट कराना है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको पुश करना है, अगर वो ऑपरेटर है तो उसको पुश करना है स्टैक में, और अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें स्टैक से पॉप करते जाना है अनटिल एंड अनलेस वी गेट एन ओपनिंग ब्रैकेट सी। उसने ये वही लॉजिक लगाया है, सिंपल वही चीज़ों को इन स्टेप्स में लिखा है। नाउ आई थिंक सो यू यू कैन अंडरस्टैंड, ऑल अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। अभी मैंने प्रिसिडेंस की बात नहीं की है, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप इतना करो। अब इस कोड के थ्रू आई थिंक सो कोई भी कितना भी लॉन्ग एक्सप्रेशन हो उसको अगर इनपुट कराओगे वो आउटपुट दे रहा होगा। प्लीज यस डू मैम इट, प्लीज आई एम गिविंग यू अगेन 5 मिनट्स, डू इट फास्ट, आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू डू इट, ओके। अतुल स्टॉप प्रेजेंटिंग, इट्स ओके। अब इतना हो गया, मैं प्रेसिडेंस की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने वो ये स्टेप्स को फॉलो करना है। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज डू इट फास्ट, ऑल अदर्स प्लीज डू इट फास्ट। अतुल टिल द टाइम यू यू कैन इम्प्लीमेंट, और जिनका भी हो गया है, जो नहीं बता रहे, अगर और भी किसी का हो गया है सो अब इसमें चेक करो कितना भी लॉन्ग एक्सप्रेशन डालकर वेदर इट इज गिविंग द राइट आउटपुट और नॉट, डबल ब्रेसेस डालकर ये सब चेक करो, अदरवाइज गो फॉर द प्रेसिडेंस ऑल्सो। अब आपका सिर्फ एक पार्ट पेंडिंग है प्रेसिडेंस का।
इस क्लास समझ में आ रहा है बेटा? इतनी शांति से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सबको आया है कि नहीं आया है। वेदर इट इज क्लियर, वुड यू एबल टू कोड इट नाउ? द सेम कोड अतुल हैज़ डन। आई जस्ट वॉन्ट इफ यू इनपुट एन एक्सप्रेशन एन इनफिक्स नोटेशन यू कुड एबल टू योर प्रोग्राम कुड एबल टू कन्वर्ट इट इंटू पोस्टफिक्स नोटेशन विदाउट कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Yes, class, till the time I'm taking the attendance. Saurav Sharma. Saurav Sharma. नहीं है। सौरव, yes, राहुल ma'am. कदाला, रजनी, yes, ma'am. रजनी हो जाएगा कोड बेटा? गुड, यस मैम। हिमांशु सिंह, अतुल, यस मैम, आकर्षित, अभिनव, अभिनय सिंह, आकांश चंदेल, आकांश हो जाएगा कोड बेटा? अक्षय, अक्षय, अक्षित गुप्ता, अंजलि, अंजलि, अंजलि सिदाना, आर्यन, आर्यन, आयुषी, अंजलि सिदाना आई है, आर्यन, आयुषी, दीक्षांत, दीक्षांत तुम्हारा क्यों नहीं हुआ आज? मैम तो चलो देखो, ठीक बस वो ठीक कर। दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा, गगनदीप सिंह राणा, कब तक होगा बेटा? हो जाएगा ना या नहीं? कुछ क्लियर है, डाउट है? मैम हो जाएगा मैम। गौतम ठाकुर, यस मैम। गुरजोत, ओके गुरजोत प्रेजेंट है। हर्ष, हर्ष, हिमांशु, हिमांशु यस मैम, करमजोत, करमजोत, कार्तिक, करमजोत आया है, कार्तिक, किंचुक, अक्षय आया है, कार्तिक, किंचुक, कार्तिक, किंचुक का कोई रिप्लाई नहीं है। कृतिका, कृतिका को क्या प्रॉब्लम है? कुणाल प्रेजेंट मैम। मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद गुलाम, आयुषी प्रेजेंट, तेजस, राहुल शर्मा, यस मैम, मैसेज आयुषी ने किया। आयुषी
कोड नहीं हुआ बेटा, नहीं समझ में आया? नहीं मैम ऐसा नहीं है, नेटवर्क इशू आ रहा है। नहीं नहीं वो ठीक है, बट अब व्हाट अबाउट द कोड? मैम वो तो कर रही हूँ अभी। ठीक है अदिति, प्रेजेंट मैम। दीपांश, प्रेजेंट मैम। अंकित कौंडल, यस मैम। आरती, प्रेजेंट मैम। आतिश, यस मैम। अवंतिका, चिराग, प्रेजेंट मैम। ईशु, प्रेजेंट मैम। चिराग हो जाएगा बेटा क्वेश्चन? चिराग आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है। जयंत, केशव, यस मैम। यस मैम, जयंत ने यस कहा है ना? मैम केशव ने यस कहा। हाँ ठीक है। कुणाल, यस मैम। मधुसूदन, आरस सेठी, ये क्यों एब्सेंट है बेटा? पारसेठी, मधुसूदन तो चलो वैसे ही नहीं आता था, पारसेठी को क्या हुआ है? पता नहीं मैम। पार्थ आहूजा, प्रेजेंट मैम। अंकुश, यस मैम। अर्पित, यस मैम। गुरतेज, यस मैम। खुशबू, खुशबू थी। नीति, प्रेजेंट मैम। नीति तो है। पार्थ पत्रा, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञा, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। अनन्या फर्स्ट टाइम आ रही हो क्लास में, क्या हुआ? मैम एक्चुअली मुझे लिंक वगैरह का इश्यू था, मतलब आज ही पता लगा लिंक ये वाला है। क्यों तुम ग्रुप में नहीं हो? मैम आई एम ऑन द ग्रुप बट एक्चुअली ना मैं लॉग इन करती थी क्लास लाइक अराउंड 10:50 में देखती थी, तो उसमें आता था नो वन इज प्रेजेंट हियर, तो मुझे लगा था कि वो वाली लिंक ही नहीं है, ये इशू हो गया था। अंश, अंश देवेश, छोड़ो देवेश को। हरसिमरन, प्रेजेंट मैम। यसलीन, प्रेजेंट मैम। मिलन, प्रेजेंट मैम। नमन, प्रेजेंट मैम। नंदनी, प्रेजेंट मैम। पार्थ राय, प्रेजेंट मैम। पार्थ राय तुम्हें क्या इशू था? मैम वो क्लास थी आज पता लगे कि इस लिंक पे होनी है। क्यों? मैम वो दूसरे लिंक पे चल रहा था अभी तक। एक वीक हो गया बता। वही मानस, समझ में आ रहा है? जो ये स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, स्टैक्स भी नहीं पता होगा बेटा, स्टैक्स हैं क्या? हाँ जी, जो स्टूडेंट्स आज ये पहली बार आए हैं इनको क्लियर है, या जो वैसे भी आ रहे हैं अभी तक मुझे प्लीज जिसको इश्यू है बताओ एक बार। आज जितना मैंने कहा, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स इंप्लीमेंट करना है एंड कोई प्रेसिडेंस को कंसिडर नहीं करना, क्या ये हो जाएगा? इतना हो जाएगा बेटा? ठीक है,
कल मैं बेटा क्लास स्टार्ट ही तभी करूंगी, अब रेंडमली किसी को भी कहूंगी अपना मुझे ये कोड दिखाओ. सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे. आई एम नॉट सेइंग कि प्रेसिडेंस को इम्प्लीमेंट करना है, इफ यू डू इट देन इट वुड बी अ गुड वन, इफ यू कांट डू इट देन इट्स ओके. वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रेसिडेंस. एंड टिल नाउ यू हैव टू बच्चे जो क्लास की रिकॉर्डिंग है. अच्छा जसलीन 5-1 से है. ठीक है, अभी अभी जितना है उतना टास्क आप कर लेना. आपका टास्क इतना है कि इससे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करना है विदाउट कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक कल की क्लास का मैं शेयर कर देती हूँ बिकॉज कल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. दैट्स व्हाई आई टेक अप द दैट पीडीएफ फर्स्ट की इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था. स्टिल इफ यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड आई विल शेयर द लिंक फॉर द यस्टरडेज क्लास रिकॉर्डिंग. ठीक है, वहां से आप ले लीजिएगा. ओके, सो हो जाएगा. या किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज यू कैन आस्क. Otherwise, I am ending the class. Okay? मैम कोई एक expression बोलिए please. कोई भी. कोई भी. With precedence के साथ. हाँ हाँ ठीक है. Expression जो है हमने जो PPT में लिया था वही वाला expression ले लेते हैं. A plus B star C plus bracket में D star E. A plus B star C plus ब्रैकेट्स में डी स्टार ई. इसका आउटपुट, इसका आउटपुट पोस्टफिक्स चाहिए ना तुम्हें? हाँ, एबीसी स्टार डीई स्टार प्लस प्लस. एबीसी स्टार प्लस डीई स्टार प्लस. हाँ, एबीसी स्टार डीई स्टार प्लस प्लस, ये भी ठीक है. क्या आ रहा है? एबीसी स्टार डीई स्टार प्लस प्लस. यस मैम. ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. स्टैक के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही आएगा जो आप बोल रहे हो. ठीक है अतुल मैम, हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है. जिन बाकी किसी का भी नहीं हुआ है बेटा, ये ट्राई करो, ये हो जाएगा. हर्ष इज प्रेजेंट और एक मुझे ऊपर किसी ने बोला था ना, अभिनय सिंह. ओके, खुशबू इज ओके, हर्ष हर्ष अभिनय प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, ओके देन. थैंक यू मैम. ओए अतुल, हाँ एक्सप्रेशन बताइए अगर फिर से. क्या एक्सप्रेशन बताइए जो मैम ने बताया? मैम की एक्सप्रेशन थी ए बी सी, नहीं ए प्लस बी स्टार सी. क्या ए प्लस बी प्लस सी? अबे रुक जा, तो पे रुक जा, रुक जा, कमेंट करते कमेंट में दे दिया ये. तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था ए बी सी स्टार ब्रैकेट में ये प्लस आएगा, यहाँ पे वो डी ई स्टार आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगी. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का भी फर्क है भाई, ऐसे नहीं होता. अभी लेफ्ट वाला सॉल्व होएगा, पहले आ जाएगा प्लस, इसका प्लस हो गया इस पे, इन दोनों का प्लस हो गया इस पे. भाई मैम की सही थी, मेरी वाली अभी गलत आ रही है और मैम ने बोल दिया सही है, गलत बता के चलेगी मैडम. इसका आउटपुट यहाँ आना चाहिए. मैंने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नहीं लगाई अभी, इसका मतलब. अच्छा इसमें लेफ्ट टू राइट भी लगता है ना, अगर दो जैसे प्लस प्लस हैं तो उस टाइम पे. एफ ए तो कैंसिल हो गया ना आजकल. हाँ एफ ए तो कैंसिल हो गया मैं कह रहा हूँ. एक सेकंड रुकियो,
थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आ गया मुझे मतलब पता चल गया क्या होना है। चल ठीक है भाई मिलते हैं उठा ले। आजकल तो राहुल कुमार वधाला भी आंसर दे रहा है बेटी चो। अभी तो नहीं कोई कुछ बोल, मैंने कौन सा आंसर दिए भाई समझ नहीं आ रहा ये। अबे देख रहा भाई राहुल कुमार वधाला 48 प्लस 65 माइनस स्टार 32 माइनस 22 प्लस स्टार। अरे तो ये तो हो ही जाता, इंप्लीमेंट नहीं होता ना ये बेटी। हां दीदी आ रहा हूं। चल यार भूख लग रही है, कुछ बना रही है पता नहीं क्या, एक पफ बना रही है पता नहीं क्या ये भाई। चल ठीक है मिलते हैं। एफए कैंसिल है ना? एफ हां एफए कैंसिल है। यस ओके चल बाय। चल बाय थोड़ी जगह दे दे हमें, तेरे पास कहीं रह जाऊं।